हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी ECHS जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उससे रिलेटेड होने वाली है, यानी कि ECHS पैरामेडिकल की आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इस वैकेंसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि GNM जो ANM कैंडिडेट है उनको क्या किया है, अप्लाई किया गया है, यानी उन्हें इसके अंदर ऑथराइज किया गया है कि वो अप्लीकेशन भर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस जो वैकेंसी है इसके अंदर आपको एग्जाम नहीं देना है, यानी कि कोई भी आपको यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम नहीं देना है। डायरेक्टली आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है एक छोटा सा वाईवा के द्वारा, ठीक है, यानी कि इंटरव्यू के द्वारा, ठीक है। तो एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, उसके बाद डायरेक्टली क्या होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो चलिए बिना देरी के हम आपको वीडियो के बारे में कंप्लीट बताते हैं, वैकेंसीज की कंप्लीट आपको डिटेल देते हैं। सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो ECHS सेल स्टेशन हेडक्वार्टर आर्मी की तरफ से आपको यहाँ वैकेंसीज देखने को मिल रही है, ठीक है। इस वैकेंसी के अंदर क्या दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस है वो जारी किया गया था। इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 9 जून, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट रहेगी वो 9 जून रहने वाली है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दें, ठीक है। हम डायरेक्टली अब चलते हैं पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस वैकेंसीज के अंदर ये देख लीजिए, यहाँ पर सीरियल नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट दिए गए हैं, टोटल वैकेंसीज दी गई हैं, वैकेंसी का पैलेस भी दिया गया है, नंबर ऑफ द वैकेंसी दी गई हैं, बेसिक क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, वर्क एक्सपीरियंस, एज लिमिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और इसके अंदर काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट की है, गायनेकोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट की है, लेकिन हम डायरेक्टली हम बात करते हैं हमारी जो नर्सिंग की वैकेंसी है उसके बारे में हम डायरेक्टली इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इसके अंदर जो वैकेंसीज है, नर्सिंग असिस्टेंट की आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। और नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज के अंदर मैं बात करूँ तो जो टोटल पोस्ट इसके अंदर रहने वाली हैं, टोटल 8 पोस्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो कि अलग अलग पैलेस के अंदर रहने वाली हैं, आवादी, चेन्नई, कंचनपुरम, इस अलग अलग पैलेस के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली हैं। अगर मैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, GNM वाले कैंडिडेट है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डिप क्लास, NAC, आर्म फोर्स वाले जिन्होंने ये कोर्स किया है वो भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो GNM वाले कैंडिडेटों के लिए है बहुत ही शानदार मौका दिया गया है। इसके अंदर जो एज लिमिट रहने वाली है वो 53 ईयर रहने वाली है, और आपको यहाँ पर जो सैलरी मिलने वाली है, यानी कि इस वैकेंसी जो सैलरी मिलने वाली है 28,100 रुपये आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी इस वैकेंसीज के अंदर। इसी के साथ क्या है, लैब टेक्नीशियन की भी यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं, 8 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें BSc जो मेडिकल टेक्नीशियंस की तरफ से करना पड़ता है वो आपको करना पड़ेगा, या DMLT वाले कैंडिडेट भर सकते हैं इस वैकेंसी को, क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सैलरी रहने वाला है वो भी 28,100 रुपये रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं, एक लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज के बारे में आपको बता दिया है। फार्मासिस्ट की यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, फार्मासिस्ट की यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं वो रहने वाली हैं 9 वैकेंसीज रहने वाली है, ठीक है, जिसके अंदर आपको B Pharma 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी जो सैलरी रहने वाला है वो 28,100 रुपये आपको क्या देखने को मिलेगा, सैलरी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार इसके अंदर जो नॉन फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसियाँ दी गई हैं, ठीक है, रेडियोग्राफर की यहाँ पर वैकेंसियाँ दी गई हैं, सफाई वाली, यानी अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है जिस भी वैकेंसीज़ के लिए वो इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 9 जून, यानी कि 9 जून तक क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल एप्लीकेशन इज द पोस्ट, द फॉर्मेट अटैच इज आल्सो अवेलेबल ऑन द www.ecs.gov.in पर क्या है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या करना है, इसको ऑनलाइन करना है। शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद ऑल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, द अपॉइंटमेंट मस्ट रीच हेडक्वार्टर ECHS फोर्ट सेंट चेन्नई ऑन बिफोर 9 जून, यानी 9 जून से पहले आपको क्या है वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पर आपको क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आप इससे ज़्यादा इनकम्प्लीटेड अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है, ऑनलाइन फॉर्म यह नहीं भरा जाएगा, ठीक है। इसके साथ इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे आपको, वो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लगाए गए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है वो चाहिएगा, डिस्चार्ज बुक है, अक्सर उसमें आइडेंटिटी कार्ड चाहिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिएगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा, जो भी सर्टिफिकेट है, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा, इसके अंदर कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट चाहिएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिएगा, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं जिस भी कैटेगरी के लिए, क्योंकि काफ़ी कैटेगरी के अंदर इसके अंदर वैकेंसी आई हैं, तो जरूर इस वैकेंसीज को अप्लाई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जैसे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।